मुजफ्फरनगर के मीरापुर के खेत में पानी चला रहे एक किसान की हत्या किए जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। शव लेकर जा रही पुलिस से ग्रामीणों ने शव छीन लिया और हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर हंगामा किया। पुलिस ने बहुमुश्किल स्वजनों को समझाकर शव पोस्टमार्टम को भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। दरअसल मीरापुर थाना इलाके के गांव खेड़ी सराय निवासी 65 वर्षीय ऋषिपाल सुबह अपने खेत में पानी चलाने गया था। दोपहर में उसका पुत्र सचिन तोमर चाय लेकर पहुंचा तो किसान का शव खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीण मौके पर आ गए और पुलिस को घटना की सूचना दी। हत्या की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और रामराज एसओ अक्षय शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। किसान के शव से कुछ दूरी पर खेत में शराब के पौधे और फावड़ा पड़ा मिला, जिससे परिजनों ने किसान पर फावड़े से हमला कर और गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए जीप में रख लिया तो ग्रामीण नाराज हो गए और गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी से शव को नीचे उतार लिया और हत्या का खुलासा नहीं होने तक शव नहीं उठाने देने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान एसओ रामराज अक्षय शर्मा ने बामुश्किल हंगामा कर रहे ग्रामीणों को समझा बुझा कर शांत किया। एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गांव खेड़ी सराय में एक किसान का शव उसी के खेत में पड़ा मिला है। मृतक किसान के परिजनों ने पड़ोसी किसान पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटनाक्रम भाई 12 पे मैं चाय लेके गया था, मार आते हुए माँ मरे पड़े थे खेत में, उनके सिर में चोट लगी हुई, गड़ा घोट का मार रखे हुए। फिर उसके बाद क्या रहा? फिर क्या रहा, पुलिस बुलाई, माँ पुलिस सुन नहीं रही है। नु कह रहा है पुलिस वाला, तो नुको ये तो गर्मी में मर गए। मीरापुर थाना के खेड़ी सराय गाँव में एक 65 वर्षीय व्यक्ति की अपने ही खेत में डेड बॉडी मिली है। परिजनों का आरोप है कि खेत के पड़ोसी ने उनकी हत्या की है। विस्तृत जांच की जा रही है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है और जो परिजनों की शिकायत है उसकी शिकायत के आधार पर संपूर्ण जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें मुकदमे की कार्रवाई? अभी परिजन तहरीर देंगे, जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विवेचना की जाएगी।